हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो प्रवक्ता कला का एग्ज़ाम होता है, उसका जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। और उसको हमने जो भी क्वेश्चन आया है उस उत्तर को जांच लिया है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, आप भी अपना आंसर चेक कर लीजिए कि आपने कौन सा आंसर टिक किया है। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, रासीपुरम कृष्णास्वामी लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1962 में, 8 फरवरी 1962। क्वेश्चन नंबर 3, एलिफेंटा कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पनवेल। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, आचार्य मम्मट। क्वेश्चन नंबर 5, लघु चित्र शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवक राम से संबंधित हैं। तो सेवक राम जो है वो पटना शैली से संबंधित है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी चित्रकार हैं? इसका जो राइट आंसर है वह है ए, साल्वाडोर डाली। क्वेश्चन नंबर 7, भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बसोहली शैली। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन से कलाकार बाहौस से जुड़े थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी, पाल क्ले। पाल क्ले और कांडेंसकी जो है वो बाहौस से संबंधित है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन था? इसका जो राइट आंसर है बी, फ्रेडरिक अगस्त बारथोल्डी। क्वेश्चन नंबर 10, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र संग्रहित है? तो इसका जो राइट आंसर है ए, द लूब्र म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 11, सतीश चंद्र एक थे, सतीश चंद्र जो हैं वो दृश्य चित्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन समीक्षावाद कला समूह से जुड़ा है? इसका राइट आंसर डी, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 13, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स नाम से कौन जाना जाता है? इसका राइट आंसर है बी, निकोलस रोरिक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए, नेत्री। क्वेश्चन नंबर 15, नवप्रभावाद शैली के जनक थे? इसका जो राइट आंसर वो है सी, जॉर्ज सोरा। क्वेश्चन नंबर 16, भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है? तो इसका राइट आंसर है सी, अपभ्रंश शैली। क्वेश्चन नंबर 18, रेम्ब्रा के लिए प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं? प्रकाश एवं छाया की दक्षता के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 का डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विंसेंट वान गॉग के चित्र से प्रभावित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है डी, प्रभाववाद। क्वेश्चन नंबर 20, रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला थी? इसका जो राइट आंसर है वो है, दोस्तों इसका राइट आंसर कंफर्म नहीं है मुझे, यदि आपको कंफर्म है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सफर चित्रित की है? इसका जो राइट आंसर है सी एम एफ हुसैन। क्वेश्चन नंबर 22, शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण राजवंश के समय में की गई, तो चंदेल वंश के राजाओं द्वारा यह किया गया था, तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी जयकृष्ण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 24, किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्ण नामक चित्र बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो मंजीत बाबा मेरे अकॉर्डिंग है। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंच द्वारा निर्मित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए तीन मई जो है वो गोया द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 26, पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र की पेंटिंग है, ये ब्लू पीरियड की पेंटिंग है पिकासो के, तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27, मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए विशन दास। क्वेश्चन नंबर 28, मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत किसने लिखा है? इसका जो राइट आंसर है वो है डी भीमसेन जोशी। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी इमैनुअल कांट। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्तिचित्र किस विश्वविद्यालय में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। क्वेश्चन नंबर 31, पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी लेस डेमासेलेस डी अविग्नान, अभिनव की स्त्रियां, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, ऑन मोनार्की ग्रंथ किसका है? इसका जो राइट आंसर है वो है सी। दोस्तों यदि इसका आपको राइट आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33, भरहुत ग्राम में स्थित है, तो भरहुत स्तूप जो है वो सतना के पास है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34, के सी एस पनिकर किस चित्रशैली से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी तंत्र कला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी कुतुब खाना। क्वेश्चन नंबर 36, मदन लाल नागर के चित्रों का विषय था? इसका जो राइट आंसर है वो है ए लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 37, मोलाराम एक थे, इसका जो राइट आंसर है वो है डी पहाड़ी शैली के चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 38, काइनेटिक मूर्तिशिल्प के लिए जाने जाते हैं, इसका जो राइट आंसर है डी अंकित पटेल। क्वेश्चन नंबर 39, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट पर बनी है, तो ये सीलिंग पर बनी है छत पर, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ? तो गोया का जन्म जो हुआ था स्पेन में हुआ, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए विशन दास जो है मुगल शैली के कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 42, चित्रित ग्रंथ तूतीनामा की विषय वस्तु है, तो तूतीनामा जो ग्रंथ है वो तोते की प्रेम कथा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग शीर्षक द स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनाई गई है? तो यह है फ्रेस्को, इसका जो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 44, एंडी वारहोल किस कला आंदोलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर ए पॉप कला। क्वेश्चन नंबर 45, सर्वोच्च वाद का उदय कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी रूस में। क्वेश्चन नंबर 46, बिंदु विषय संबंधित है, इसका जो राइट आंसर है वो है डी सैयद हैदर रजा से। क्वेश्चन नंबर
47 कौन कला समीक्षक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी विशेश्वर वीरेश्वर सेन। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए मातिस, मातिस जो है फाववाद के कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 49 इनमें से पेवड़ी होता है, तो पेवड़ी जो होता है वो पीला रंग होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 बंगाल लोक कला से प्रेरित जामनी राय का चित्र तीन पुजारिन किस माध्यम है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी टेम्परा माध्यम। क्वेश्चन नंबर 51 पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है, तो इसका जो राइट आंसर वह सी जम्मू एवं कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 52 चित्रसूत्र के किस अध्याय में छह वृत्त का वर्णन किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे अनुसार इसका आंसर सी होना चाहिए। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्रिस्टी क्या है, इसका राइट आंसर है बी कलाकृतियों का नीलामी घर है ये। क्वेश्चन नंबर 54 संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन है, तो इसका राइट आंसर है सी राम किंकर बैच। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा, इसका जो राइट आंसर है बी देगा। क्वेश्चन नंबर 56 बाइजेंटाइन कला किस के आश्रय में विकसित हुई, इसका जो राइट आंसर है वो है बी धार्मिक स्थलों के। क्वेश्चन नंबर 57 19वीं शताब्दी के पटना शैली के चार प्रमुख कलाकार कौन थे, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सेवकराम शिवलाल हुलासलाल जयरामदास। क्वेश्चन नंबर 58 विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है, इसका जो राइट आंसर है वो है सी सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 59 पतीना क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है डी सतह की धुलाई। क्वेश्चन नंबर 61 कौन वास चित्रकार नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो है बी नलिनी कुमार मिश्र। क्वेश्चन नंबर 61 केशव दास लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है, इसका राइट आंसर डी कांगड़ा शैली। क्वेश्चन नंबर 62 पहाड़ी चित्रकला संबद्ध है, इसका जो राइट आंसर है वो है बी कांगड़ा से। क्वेश्चन नंबर 63 कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक थी, इसका राइट आंसर है डी जल रंग। क्वेश्चन नंबर 64 बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है, तो बाघ गुफाओं का पुराना नाम जो है वो कलायन या कलयन। क्वेश्चन नंबर 65 इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्तिचित्र किस स्थान पर बना है, तो इसका जो राइट आंसर है डी बरोडा। क्वेश्चन नंबर 66 द थिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाया, इसका राइट आंसर है डी अगस्त रोदा। क्वेश्चन नंबर 67 जैक्स लुइस डेविड ने किस नई चित्र शैली को जन्म देने का कार्य किया, तो नव शास्त्रीयवाद नियो क्लासिज्म। क्वेश्चन नंबर 68 गांधी का प्रसिद्ध लीनो कट चित्र दांडी मार्च ने तैयार किया, तो ये नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया, तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 69 द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है ए जी संतायना। क्वेश्चन नंबर 70 शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक थे, इसका जो राइट आंसर है डी बीसी सन्याल। क्वेश्चन नंबर 71 मथुरा वाराणसी और पटना काल के महान केंद्रों में से रहे, तो इसका जो राइट आंसर है डी गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 72 डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार है, तो इसका जो राइट आंसर है ए विलियम ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दसवंत के गुरु थे, इसका राइट आंसर है बी ख्वाजा अब्दुस समद। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र का चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट सोसाइटी से भी जुड़े थे, इसका राइट आंसर है सी राम कुमार। क्वेश्चन नंबर 75 किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है, इसका जो राइट आंसर है ए लियोनार्डो द विंची।
क्वेश्चन नंबर 76, किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे आकार या फॉर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, अल्तमीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम से बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर है डी, इन सभी का प्रयोग हुआ है, प्राकृतिक रंग भी, जानवरों की चर्बी का मिश्रण और कोयला, तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 78, राणा कुंभा संबंधित थे, इसका जो राइट आंसर है ए, मेवाड़ से। क्वेश्चन नंबर 79, ब्लू राइडर मंडल किस वाद से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है बी, अभ्यंजनावाद। क्वेश्चन नंबर 80, कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया, तो इसका राइट आंसर है डी, नरसिंहदेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 81, अल्तमीरा की गुफाएं हैं, इसका जो राइट आंसर है बी, स्पेन में। क्वेश्चन नंबर 82, चाक का संपूर्ण आविष्कार में हुआ, तो इसका राइट आंसर है बी, नवपाषाण युग में। क्वेश्चन नंबर 83, लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए, मिर्जापुर। क्वेश्चन नंबर 84, भारत की चित्रकला 1939 और भारत की मूर्तिकला 1939 पुस्तकों के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर है सी, रायकिशोर दास। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित तृण पर भोजन प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की कृति है, इसका राइट आंसर ए, माने। क्वेश्चन नंबर 86, मिथिला चित्रकला की किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला था, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जगदम्बा देवी। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मिले। क्वेश्चन नंबर 88, एक अकादमिक शैली के कलाकार थे, तो इसका राइट आंसर है बी, ललित मोहन सेन। क्वेश्चन नंबर 89, महाबलीपुरम का समुद्री किनारे पर बसा मंदिर सोर टेंपल राजवंश के काल में बना है, तो ये पल्लव राजवंश के काल में बना, तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार में चित्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर जो है सी, एच ए गाड़े। क्वेश्चन नंबर 91, बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाघ किसने बनवाया था, इसका जो राइट आंसर है डी, नेबूखदनेज़र ने। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट किया, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, राफेल। क्वेश्चन नंबर 93, कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफ्रन आर्ट कौन संचालित करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ए, मीनल वजी रानी। क्वेश्चन नंबर 94, समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, थियोडोर लिप्स। क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है डी, शांत रस। क्वेश्चन नंबर 96, खजुराहो मंदिर किस राजवंश में बनाए गए, इसका जो राइट आंसर है ए, चंदेल राजवंश। क्वेश्चन नंबर 97, सैंड्रो बोटिचेली किस देश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है बी, इटली से। क्वेश्चन नंबर 98, पीलू पोचकन वाला किस माध्यम में काम करते थे, इसका जो राइट आंसर है डी, एल्युमिनियम एवं पत्थर। क्वेश्चन नंबर 99, सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है एफ्रोडाइटी, इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 100, देश विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार का नाम है, इसका राइट आंसर है ए, सतीश गुजराल। क्वेश्चन नंबर 101, अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया, तो इसका राइट आंसर है बी, आंद्रे ब्रेतो। क्वेश्चन नंबर 102, लियोनार्डो दा विंची क्या थे,
इसका जो राइट आंसर है सी, अभियंता, वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार एवं ड्राफ्ट्समैन। क्वेश्चन नंबर 103, टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक चित्र किसने बनाया? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जोगेन चौधरी। क्वेश्चन नंबर 104, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद में मुख्यतः के चित्रकार प्रेरित रहे? इसका राइट आंसर है बी, कांगड़ा शैली के चित्रकार प्रेरित रहे। क्वेश्चन नंबर 105, इनमें से किस वाद के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन कार्य करते थे? इसका राइट आंसर है सी, नव प्रभाववाद। क्वेश्चन नंबर 106, पिएटा शीर्षक मूर्तिशिल्प की रचना ने की? इसका राइट आंसर है डी, माइकल एंजेलो ने। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित किया? इसका राइट आंसर है बी, तैयब मेहता। क्वेश्चन नंबर 108, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर है डी, डॉक्टर संपूर्णानंद। क्वेश्चन नंबर 109, कुदाल नामक फिल्म को किसने बनाया? इसका राइट आंसर है डी, तैयब मेहता। क्वेश्चन नंबर 110, ग्रुप 1890 नामक संगठन किसने बनाया? इसका राइट आंसर है बी, जे स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 111, इनमें से किस चित्रकार ने 2 मई चित्र चित्रित किया? इसका राइट आंसर है ए, फ्रांसिस्को गोया। क्वेश्चन नंबर 112, वीनस का जन्म नामक चित्र किसने बनाया? इसका राइट आंसर है सी, बोटिचेली। क्वेश्चन नंबर 113, मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है सी, जहांगीर को सलीम नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 114, इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया? इसका राइट आंसर है सी, लुटियंस। क्वेश्चन नंबर 115, एक अच्छे वास चित्रकार थे? इसका जो राइट आंसर है डी, मदन लाल गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 116, तूती नामा कब लिखा गया? इसका राइट आंसर है सी, 1596 से 1598 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 117, सिस्टाइन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ? इसका जो राइट आंसर है बी, 1512 में। क्वेश्चन नंबर 118, रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया? इसका राइट आंसर है डी, आचार्य वामन ने। क्वेश्चन नंबर 119, प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोट्रेडम स्थित है? इसका जो राइट आंसर है ए, एम्स्टर्डम में। क्वेश्चन नंबर 120, छदंत जातक कहानी है? तो इसका राइट आंसर है बी, हाथी की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 121, ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है? तो इसका राइट आंसर सी, समकालीन कला। क्वेश्चन नंबर 122, विनोद भारद्वाज की पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर है ए, वृहद आधुनिक कला कोश। क्वेश्चन नंबर 123, सिस्टाइन चैपल गिरजाघर की छत का चित्रण ने किया? तो इसका राइट आंसर है डी, माइकल एंजेलो ने किया। क्वेश्चन नंबर 124, हरिहर लाल मेढ़ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सी, वास चित्रण से। क्वेश्चन नंबर 125, पिकासो का कालखंड कब से कब तक था? इसका राइट आंसर है ए, 1881 से 1973। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 125 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं, जो कि पीजीटी कला से संबंधित एग्जामों का ये पेपर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा ये पेपर कराया जाता है। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, मैं उसका आंसर आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।